कैमरा चालू होने से पहले बहुत बातें कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 38 से जो लक्ष्मी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का एक प्रत्याशी और एक निर्दलीय भी है, तो क्या लगता है कौन सा यहाँ से बाजी मार सकता है? भाई बाजी तो भाई देख कांग्रेस को मारेगा, हमारे दिमाग से तो क्योंकि हम वोट कांग्रेस के देंगे, हम तो भाई अच्छा हमारी वोट दे कांग्रेस लग जाएगी। अच्छा जिस गांव में हम खड़े हैं इसमें जनता किसका है? इसमें कांग्रेस का ही ज्यादा है। कांग्रेस का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का है। अगर हम ये सर्वे चलाएं तो यहाँ से कांग्रेस की ज्यादा लेके फाइनल बिल्कुल ज्यादा आएगी। हाँ कांग्रेस कांग्रेस बोलेंगे सब, या मत सोचो भाई मैं वो खड़ा है वो खड़ा है, ऐसे कुछ नहीं है। जातवाद चलेगा? नहीं 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 चलेगा, जातवाद नहीं चलेगा। अब नो तो देख सबसे हमारा भरना पड़ता है, जो आता कोई बात ना है, कोई भी आएगा वैसे भाई हमें तो भरनी पड़े का डायरेक्ट ना कही जाए है, लेकिन वोट हाथ में जाएगी। हत्या अच्छा, सबसे ये बोलते हैं कि हाँ आप ही को वोट देंगे, तो करना पड़ता आपस में यार। कोई भी आ जाए बीजेपी बड़ा जाए तो उससे भी हम ये कहेंगे भाई कोई बात ना देंगे भाई, आपको सम्मान तो हर आदमी रखना पड़ता है ना। सम्मान रखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल रखना पड़ता है, हम क्या है। लेकिन वोट वहाँ जाएगा जहाँ दिल करेगा। दिल में वोट तो दिल में रखी हुई है। अच्छा वोट तो दिल में है, वोट तो आदमी कुछ भी कहले जबान से, तो दिल किसकी गवाही दे रहा है भाई? लक्ष्मीचंद को जाएगी, कांग्रेस में जाएगी, कुल मिला के बात ही है। तो या जाज बिराज कोई मतलब ना, कोई बिरादरी हो अपन लेके, हमने सदा अपनी जिंदगी में कांग्रेस पे वोट दिया, कांग्रेस पे जाएगी। हाँ अच्छा, और भी गांव के लोगों से आपने बात की है, वहाँ पे क्या माहौल है? हमारा माहौल यही है कांग्रेस का ही, सबका ही, क्योंकि हम दिन गांव में रहते हैं, आपस में बतलाते हैं सब काम, सब बात रहती है, कांग्रेस का ही माहौल है। मुकाबले में कौन आएगा इसके? अब ये तो टिकट पे दोनों टिकट ही लड़ेंगे भाई। अच्छा अब निर्दलीय तो भाई वोट लेगा, कोई जनादार है यहाँ पे? ना 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 ऐसे कुछ ना, अब नो तो भाई देख जान पहचान से भाई 10-5 वोट ने कोई लिया हमारे गांव बस्ती में से, कोई बड़ी बात ना है, और चली भी जाए वोट तो भाई, लेकिन टिकट का मसला होगा दोनों का। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। राजस्थान के 2 जिलों के चुनाव चल रहे हैं और पंचायत राज के चुनाव का प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 38 में, यहां से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार लक्ष्मीचंद सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जो इलाका है इस इलाके में जो जन सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं और यहां पर समस्याओं का अंबार है। जनाब से पूछेंगे, जनाब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने। जी सर हुकुम। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, लोगों का कैसे समर्थन मिल रहा है? देखो जी इस बार लोगों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, और विशेष रूप से हमारे MLA साहब जो सफिया खान जी ने विकास का जो आयाम किया है कायम, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास किया, हर आदमी इस बात को मान रहा है कि वास्तव में इतना विकास कार्य बीजेपी के राज में कभी नहीं हुआ, जो इतना विकास का कार्य रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो कॉलेज मंजूर हुआ हो, चाहे अस्पताल मंजूर हुई हों, चाहे वो अन्य नगर पालिका वगैरह हों, और बहुत सारे काम विकास के हमारे MLA साहब ने किए। लोग तो कहते हैं कि जमीन से जुड़ करके नहीं रही साफिया जुबैर। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, साफिया जी लगातार लोगों के संपर्क में रहती हैं, और माननीय जुबैर खान जी थोड़ा उनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी, इसलिए वो थोड़ा सा कम समय दे पाते हैं, बाकी साफिया जी हमेशा समय समय पर लोगों के बीच में उपस्थित रहती हैं, समस्याओं को सुनती हैं। अच्छा लक्ष्मी जी यहाँ के जो लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे तो यही है, देखो जो पानी है, बिजली है, चिकित्सा, ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, और भी सड़कें हैं, नाली, इनकी समस्या, और विशेष रूप से यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हमारे माननीय सफिया जी विशेष रूप से रुचि लेकर कर रही है और आगे करती रहेंगी। अच्छा कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो उन्होंने विश्वास जताया है, क्या लगता है क्या यहाँ से कांग्रेस का टिकट निकल सकता है? बिल्कुल निश्चित निकलेगा, कांग्रेस का टिकट निकलने में यहाँ कोई शक और संदेह की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी समाज के लोगों का, विशेष रूप से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी जाति और बिरादरी के लोगों, सब पार्टी के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा कौन मुकाबले में आ सकता है, किससे मुकाबला? मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ही रहेगा यहाँ, और तो किसी निर्दलीय विर्दलीय का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला रहेगा। ऐसे भी सुनने में आ रहा है कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी है? नहीं नहीं वो ऐसा है, देखो वो 100-200-500 से वोट बिगाड़ सकता है, बाकी उसका और यहाँ किसी भी क्षेत्र में कहीं अस्तित्व नहीं है, सभी समाज के लोग बैठे हैं यहाँ, और भी अन्य लोग सो मेरी बातचीत होती है सभी, चाहे आप कोटा खुर्द जाइए, चाहे खिलौरा जाइए, चाहे इधर खूंसपुर रब्बा का जाइए, सब लोग कह रहे हैं कि हम सिंबल के साथ हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा यहाँ की जो विधायक साहिबा हैं वो भी आई हैं आपके प्रचार? वो विधायक साहिबा आएंगी, उन्होंने एकाग में 15-17-18 तारीख के आसपास उनका प्रोग्राम बनेगा, वो पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे। अच्छा लक्ष्मी जी किस तरीके का संदेश लोगों को देना चाहेंगे, आप लोग देख रहे हैं आपको किस नेता को इस वार्ड से चुने? अब वो तो देखो नेता को तो मतदाता चुनेंगे, बाकी तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे मतदाताओं की समस्याओं का समय समय पर समाधान हो, और इनका जो जनप्रतिनिधि चुना जाए वो भी समय समय पर अपने क्षेत्र के बारे में दौरा करके लोगों के संपर्क में रहे, समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और भी हमारे साथ ये लोग, जनाब क्या नाम आपका? मुश्ताक। मुश्ताक किन मुद्दों को लेकर के वोट जाएगा इस बार, क्या लगता है आपको? मुद्दे तो ज़्यादा नहीं है, ये पानी की समस्या है, नाली है,
कीचड़ हो जाती है घर में। तो लक्ष्मी जी सड़क के जो इन्होंने वादे किए इनसे प्रभावित हैं आप? हाँ प्रभावित है जी। बुजुर्ग क्या नाम आपका? अब्दुल रहमान। अच्छा अच्छा, वोट के मामले में क्या सोच रखा है? वोट का मामला में ठीक सोच रहा हम, यही पे देता है हम तो, हमेशा हत्ती पे दे देंगे हम तो। अच्छा अच्छा, हाँ चेहरे पे वोट जाएगा या फिर हत्ती पे वोट जाएगा? हत्ती पे जाएगा। हाँ, प्रत्याशी को कैंडिडेट को वोट देंगे या फिर कांग्रेस के चुनाव को वोट दे रहे हैं? हत्ती पे देंगे वोट हम तो। अच्छा, वाह ना, देखा हमें सामने वालों को ये बात कौन है को कौन ना, बस। क्या नाम जनाब? जमशेद। क्या लगता है इस बार? इस बार जी कांग्रेस का टिकट निकलेगा। कांग्रेस का टिकट निकलेगा? कांग्रेस ने विकास कराया पिछले 2.5-3 सालों में? हाँ, विकास तो कराते ही हैं, कर ही रहा है विकास तो, थोड़ा है जो कमी हो अब की बार करा देंगे जी। और भी लोग हमारे साथ हैं जनाब, क्या नाम है जनाब आपका? उमरदीन है। उमरदीन जी, हाँ जी। अच्छा आप जी, खैर तस्वीर साफ है, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 38 में। ये हमारे साथ नेताजी हैं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय विधायिका हैं साफिया जुबैर, उसका समर्थन प्राप्त है। और इन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं इसको समर्थन प्राप्त हो रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वोट जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ के लोग वोट देना चाहते हैं और इसका जनाधार बढ़ता जा रहा है। ये वक्त तय करेगा और जनता जब 26 तारीख को वोट डालेगी और उसके बाद में क्या तस्वीर निकल करके आएगी और कौन सा नुमाइंदा यहाँ से चुन करके आएगा, ये तब पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।